अस्सलाम वालेकुम सारे दोस्त आए वे सारे इलाके ते मैं आखिर उन्हें कोई पूछ गई कि मशीन नाल छिकी वे हैं और ये मशीन क्या काम करें दी है इन्हें क्या तरीके कार काम करें दा कितनी इन्वेस्टमेंट की वे और कितनी इन्हें को बचत थी है वो हूँ तो डिसीजन के इन क्या तरीके कार है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह भजन सार्जन मशीन है इन वक्त असा सुरके च कपाह पा गई से ये हूँ असा बाहर चावे सूँ कपाह बनावण दा काम हुंदी है जैमले इन विच आपां पुट्टी सटनू तो रूई अलहदा थी वेंदी है बिज अलहदा थी वेंदा ठीक तड़पाला ठीक है ये को किसान दोस्त मशीन भी आखद ताकि उन्हें को बेज तैयार करते रही है तो वो फसल टाइम तक रहा सकते हैं। इन एक हिस्से जो आप फुटियां सटें अंदर तो फ्रंट साइड तो जरा ना बेज बाहर निकलना सही सही हाँ दूजे हिस्से चू जरा ना रूई बाहर निकल दिया तंगे दे विचों इंदा है जितना इंदा वेच इनकम है हूँ कनु ज़्यादा इंदा सफ़र है घर घर वाइन ते सदा मानी पम जो फकीर वाली कार भई जान फुटिया बनवा गिनो जरे घर हो या तो उन्हें बनवाया बाकी आके यार तंग ना करो अगुते वो ये जरा ना अगर अल्लाह ताला दे रहे काम तो शाम तक 2015-2500 रोजी बन वेंदी हाँ ना रहे तो वाल जो काम ना मिले तो नसीब की गाल है।
छोटी मशीन है ठीक है भाई, बड़ी मशीन भी होती है और ट्रैक्टर में चलती है। ये जरा सारा आइटम तैयार थे अगले तकरीबन 1.5 लाख रुपए तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए की मशीन जो इन्वेस्टमेंट होता महंगाई का दौर है और डबल थी गई उससे 2 से 2.5 लाख रुपए दी थी गई उससे लाख रुपए थी गई इन्हें जरा काम में बहुत मेहनत है वो तो सभी दे दे कि कितनी इन्हें मेहनत की है और ये जरा काम में एक तो है कि सफर ना हाँ देहात पल इतना रोड है तो हाल ले दो जेड़े कि मोटरसाइकिल टप दे बंदा इवें समझो मिट्टी मिट्टी थी वेंदे दूजा इतना जड़ा है ना इन्हें धुप के उत्ते छा छा तो नसीब की गाल है धुप के उत्ते काम करें बिया इन मशीन में एहतियात की भी जरूरत होती है तो इन एहतियात के बारे असा कुछ दसो कि एहतियात है भजन इन अंदर अंदर तकरीबन 20 से 22 जन अगर हार्ट टच थी गया तो 14 होने दो तो छोटी छोटी दातरी ढकी हुई मशीन है छोटी दातरी इनका ज्यादा टूटन के पार बुलंद करने दो नहीं होता इनके मुकाबले वाले वो डिग्गी मशीन तो अलग करी ही कुचल है दिए अगर उसकी स्पीड बेल्ट वाली साइड में चल दे पेंडू सारे बेल्ट ते अंदर जने आरिया चल उंदा तो हाथ स्पीड वाद वैसे बेल्ट टूट सकदे आरिया टूट सकदे या खुद डिग्गी दा एक्सीडेंट थी सकदे अंदर फट ते जने ना कोई चीज जने तो उनको कंट्रोल च रखना पड़ता है। ओ को कंट्रोल की में रखी से ओ उन रेस होंदी है ना सी जमे आपा कने रेस होंदी है मोटरसाइकिल अगर तू सब ये काम करना चाहंदो तो तू को जेड़ा ना इन डिग्गी दी रेस कंट्रोल रखनी पोस ते जे बंदे खड़े सो ओ बंदा एहतियात करे सा प्रोफेशनल होना चाहिए एहतियात करनी चाहिए बाकी तो कोई वीडियो देख के की लगे अपने राय दा इजहार कमेंट जरूर करे सो मिलदे नई वीडियो अल्लाह हाफिज़ जी मान।